गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू मैम? गुड मॉर्निंग, वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑलसो फाइन। तो आज की क्लास में क्या करना है हमें मैम? क्वेश्चन नंबर 4, दैट मींस कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दोनों ही हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास में। यस मैम। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप लोग कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉल्स। टू फॉल्स भी कर चुके होंगे। एंड राइट अ वन वर्ड फॉर ईच एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एक बार पहले इसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है डैश रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? यस सावित्री। मैम जैस्मीन एंड ग्रेपवाइन। जैस्मीन एंड ग्रेपवाइन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज आर नोन एज डैश एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, क्या कहते हैं हम उन्हें? मैम बेबी पैरट्स। मैम बेबी पैरट्स एनिमल। बेबी पैरट्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आकांक्षा को बताना है। यस आकांक्षा, द लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द डैश एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। मैम मेटल। मैम हीट। हीट एनर्जी। मैम हीट। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी हीट एनर्जी को क्या करती है, दोबारा ट्रैप कर लेती है यहीं पर, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर टेम्परेचर गर्म बना रहता है। ये अलग बात है कि अगर इसने ज्यादा ट्रैप करना शुरू कर दिया, ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, फिर ज्यादा गर्मी ट्रैप हो जाएगी और हमारे आसपास इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर काउजेस डैश। जब बहुत यस ड्राउट क्या जाएगा, ड्राउट। तो जब बहुत ज्यादा गर्म और सूखा वेदर होगा, मौसम होगा, तब क्या जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताएंगे निहारी का। एयर इज अ डैश ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या जाएगा, मिक्सचर। अब ये किस टाइप का मिक्सचर है? चलिए अब आप, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अब आपको ये बताना है किस टाइप का मिक्सचर है। मैंने आपको दो मिक्सचर के नाम बताए थे एंड में, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस। तो किस टाइप का मिक्सचर है ये, होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेटरोजेनस मिक्सचर है? आप दोनों की डेफिनेशन ही भूल गए, दैट मींस कि आपको याद ही नहीं है। होमोजेनस क्या होता है, समांगी मिश्रण, जहां पर मिलने वाली सारी चीजें घुल जाती हैं, कोई भी दिखाई नहीं देती अलग अलग। एंड दूसरा है हेटरोजेनस मिक्सचर, जहां पर मिक्सचर हुई चीजें दिखाई देती हैं, मिलती नहीं आपस में। तो हमारी जो एयर है वो किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनस है या फिर हेटरोजेनस है? कंफ्यूज। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने तो एयर को ही नहीं देखा, तो इसका मिक्सचर कैसे पता लगाएं, यही डाउट लग रहे है? Yes, ma'am. जब एयर ही नहीं देखी तो उसका मिक्सचर कैसे दिखेगा? तो एयर का जहां भी एग्जांपल आए, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि इसमें जितनी भी गैसें हैं वो आसानी से घुल जाती हैं। ओके
यस मैम. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे. तो राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें एक वर्ड लिखना है इनके लिए. तो फर्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट. इन्हें हम क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल. मैम सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल. मैम सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल. एक मिनट देखिए. तो स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. इसे हम क्या बोलते हैं? सीड बिखरना. सीड डिस्पर्सल. अब नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट क्या पूछे हमसे? एनिमल्स दे ले एग्स. जो एनिमल ओविपोरस एनिमल. क्या बोलते हैं हमने? ओविपोरस. चलिए बिल्कुल ठीक. अनुप्रिया बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. यस अनुप्रिया. ए ग्लास हाउस मेड फॉर ट्रैपिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज. मैम सन रेज. नो नो. मैम मेटल. मैम मेटल. मैम मेटल. अब आपको उस हाउस का नाम बताना है जो ग्लास से बना होता है. सन हीट को ट्रैप कर लेता है. वो वापस नहीं जाना. मैम ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस लिखना है आपको. क्या लिखना है? ग्रीन हाउस. मैम ग्रीन हाउस. चलिए नेक्स्ट का आंसर अनिल बताएंगे. यस अनिल. ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. मैम माइकल. एक साथ आप लोग सभी बोलना शुरू कर देते हो. जिससे पूछा जाए केवल वही बताएंगे. चलिए मैम आपकी आवाज प्रॉपर. नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? मैम आ रही है आवाज? नो मैम नहीं आ रही है. चलिए जिसके आ रही है उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है. प्रॉपर नेटवर्क देके एक जगह बैठने की कोशिश करें. यस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? वेट वेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुषमा को बताना है. यस सुषमा. ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज. मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही. चलिए यानी मेरे यहाँ से ही नेटवर्क प्रॉब्लम है. यस. तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे. ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज. सुषमा बेटा जिन बच्चों की भी आवाज आ रही है जो बीच में बोल रहे हैं उन्हें पहले रिमूव कर दिया जाएगा. ओनली हैंड शो करना है, बोलना नहीं है. यस मैम. तो जिन जो भी बोलने लगेंगे पहले ही उन्हें क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा. फिर पनिशमेंट, क्योंकि और कोई पनिशमेंट दी नहीं जा सकती. चलिए सुषमा. मैम एनिमल. 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 ओके. तो देखिए क्या कहते हैं हम उसे. द सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट. एंड जो दो दो और दो से ज्यादा एटम को कंबाइन करके बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैम कंपाउंड. मैम कंपाउंड. यस. अब आते हैं हम ट्रू फॉल्स पे. तो फर्स्ट का आंसर बताएंगे दिव्या. तो ट्रू फॉल्स बताना है हमें. ए टर्टल इज एन ओवी पैरस एनिमल. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस दिव्या. एंड ट्रू. ट्रू. तो टर्टल जो है ये क्या करता है? टर्टल इज ले एग्स. सौरभ को. यस सौरभ. एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ काउजेस ग्लोबल वार्मिंग. इज इट ट्रू और फॉल्स?
ट्रू। तो ये भी ट्रू है क्योंकि जैसे जैसे हमारे अर्थ के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा और दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताना है शान्विका को। यस शान्विका, नाउ यू टेल। साइक्लोन फेल इन हिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन 2013, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस मैम, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। तो जो साइक्लोन हिट हुआ था वो 2013 में हुआ था, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरिया थे, तटीय क्षेत्र, वहां पर हिट हुआ था और बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस अतुल। यस अतुल, नाउ यू टेल। लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। फॉल्स। तो इसमें क्या आना चाहिए? Immiscible liquid. चलिए तो अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर। तो लिस्ट ऑल द वेज इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस। प्लांट किन किन तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, किन तरीकों से जन्म ले सकते हैं, यानी कि आपको बताना है व्हाट आर द मेन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। मैम इसे नोटबुक में राइट करना है। बेटा इसमें से वो क्वेश्चन जिन्हें आप पहले कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज में, वो नहीं करना है। अगर आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके चैप्टर में था तो आप वो नहीं करेंगे। यस मैम, जो आपके वही सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सारे चैप्टर वाला ही क्वेश्चन है, सारे चैप्टर वाले ही क्वेश्चन है। यस मैम। हाँ तो आपको सारे मैम एक दो क्लियर है। यस मैम। मैम एक दो है, मैम उससे डाउन साइड राइट कर ले। मैम पहला वाला नहीं है। मैम पहला वाला नहीं है। तो मैं एक बार मैं भी मैच करके देख लूंगी कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा नहीं है। तो जो आपके चैप्टर में दिए हुए पहले से ही उन्हें नहीं करना है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले उसका आंसर लिख चुके हैं, तो दोबारा सेम क्वेश्चन नहीं करना है। चलिए तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द वेज इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस, कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। वाटर, सनलाइट एंड एयर। Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, reproduction in reproductive part or in vegetative part, and second way dispersal of seed. Yes, तो देखिए अनुप्रिया ने क्या बताया था अभी, अनुप्रिया का आंसर रॉन्ग था आज। तो आपसे क्या पूछा है, लिस्ट ऑल द वेज इन प्लांट रिप्रोड्यूस, वो तरीके बताने हैं जिनके थ्रू प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पोटैटो वगैरह के बारे में, पोटैटो ब्रायोफाइलम कुछ रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं, तो आपको वो सारे पार्ट बताने हैं। और यहाँ पर आपने एक बच्चे की हेल्प भी की थी, आपको ध्यान होगा, जो अपने घर में मनी प्लांट लगाना चाहता था। यस मैम। यस तो आपको इतनी जल्दी जल्दी नहीं भूल जाना है, भूलने में थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाते हैं, कम से कम एक साल का टाइम तो लीजिए, एग्जाम देने के बाद भूलना सारा। आप तो अभी से ही भूल जा रहे हो बिना एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद भूल जाओगे? नो नो मैम, नहीं भूलेंगे। नो मैम, नहीं भूलेंगे। तो आपको भूलना नहीं है फिलहाल, एग्जाम के लिए पढ़ना तो है लेकिन एग्जाम के लिए नहीं, इसलिए कि हमें कितना आता है ये सोच के पढ़ना है, हम दूसरे को कितना सिखा सकते हैं। चलिए तो देखिए प्लांट्स पूछा था, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर बाय द रूट, बाय द वेजिटेटिव पार्ट, बाय द स्टीम, बाय द लीव्स, कितनी सारी चीजें थी ना। यस मैम। तो आपको सारे के बारे में लिखना है और सभी का एग्जाम्पल भी देना है। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन विवीपैरस एनिमल एंड ओवीपैरस एनिमल। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया था।
यस मैम मेटल मैम मैम मेटल यस मैम मेटल इस वेट चलिए कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर निहारिका नाउ यू टेल निहारिका अपनी चोटी बना रही हैं यस निहारिका निहारिका बेटा आपको बताना है वीवी पैरस एनिमल एंड ओवी पैरस एनिमल ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं यस बेटा अरे वेट करिए निहारिका भी तो बता लेंगी चलिए सौरभ नाउ यू टेल निहारिका के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है उनकी उनकी पिक्चर रुकी हुई है एक ही जगह ये सौरभ नाउ यू टेल मैम फर्स्ट मैम बी पैरस मैम एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग नानी वाला कोई से नोटबुक में नहीं बी पैरस एनिमल्स मैम सेकंड ओवी पैरस एनिमल्स मैम एनिमल्स सच एज बर्ड्स फिश एम्फीबियंस इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स दैट ले एग्स व्हिच हैच इनटू यंग्स आर कॉल्ड लेइंग एग्स ओवी पैरस एनिमल्स ओके तो ये क्वेश्चन आपके आपके चैप्टर में नहीं है नो मैम नहीं है नो मैम मैम ये है मैम बुक मैम रिक्वेस्ट मैम बुक बी में है मैम बुक बी में है क्वेश्चन बेटा बुक बी में है तो भी नहीं करना है अगर वो क्वेश्चन बुक ए बुक बी कहीं भी पूछा गया आपने आंसर तो लिखा ही है ना तो ये नहीं करना यस मैम मैम मैटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपको एक छोटा सा नोट देना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कैसे है क्या होगा ये सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है मैम आई टेल यस दिव्या नाउ यू टेल परेशान होके पूछ रही है मैम आई टेल यस मैम आई टेल दैट मॉथ स्प्रेड द हीट फ्रॉम द सन एंड मेक द सर्वाइव of the earth warm it is known as greenhouse effect ma'am may I tell ma'am yes Shanvika ma'am tell ma'am may I tell ma'am a greenhouse is a glass house made of glass panels it is used to growing plants in winters or in the season of the world ग्रीन हाउस के बारे में इतना ही लिखना है कर लेंगे ना सभी नोटबुक में है तो आपको करना ही नहीं है फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज मैटर एंड नेम इट्स थ्री स्टेट्स तो मैटर क्या है और इसकी तीन स्टेट कौन कौन सी है ये बताना है आपको चलिए सावित्री बताएंगी बहुत परेशान हुई थी सावित्री नाउ यू टेल बेटा हैंड शो करना है परेशान नहीं होने लगना है यस विकास नाउ यू टेल अराउंड यस विकास व्हाट इज मैटर नेम एट थ्री स्टेट्स आज किसी की आवाज ही नहीं आ रही जो भी आंसर बता रहे अतुल नाउ यू टेल यस अतुल मैम मैं आई टेल अतुल बेटा माइक ऑफ है आपका मैम मैं आई टेल वेट वेट अभी जब पूछा जा रहा है तब उस समय कोई नहीं बोलेगा ओके वेट सभी को वेट करना है अभी आपकी भी टर्न आएगी मैम मैं आई टेल यस अतुल अतुल की आवाज अभी भी नहीं आ रही है मैम मैं आई टेल अनुप्रिया नाउ यू टेल मैटर इज एटम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट एंड कंपाउंड
मैम मेटल बेटा इनकी तीन स्टेट्स बतानी है, तीन स्टेट्स ये नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप सभी ना डिसिप्लिन में नहीं पढ़ रहे हो, सारे इधर उधर बोले जा रहे हो, कोई डिसिप्लिन मैम। तो अगर अगर क्लास चल रही होती ना, क्लासरूम होता, तो मैं आपकी क्लास छोड़ के चली जाती बाहर, क्लासरूम के बाहर। तो आप सभी को वेट करना है अपनी टर्न आने का, ये नहीं बोलते जाना है बोलते जाना, पता ही नहीं लग रहा है कौन आंसर दे रहा है, किसको आता है किसको नहीं आता, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। यस सुषमा, नाउ यू टेल व्हाट इज मैटर, नेम इट्स थ्री स्टेट्स। पहले इसकी डेफिनेशन भी देनी है बेटा आपको, मैटर व्हाट इज मैटर ये भी एक्सप्लेन करना है। यस अमन, नाउ यू टेल मैम, एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज नोन एज मैटर। मैम मैम इट्स थ्री स्टेट मैम, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यस, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ वेट इज नोन एज मैटर, एंड देयर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट इज लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपकी नोटबुक में नहीं है, तो ये भी आपको करना है नोटबुक में, आपकी बुक में नहीं पूछा गया ये। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो फर्स्ट है आपका इसे, ये आपके बुक में पूछा था आई थिंक, बुक बी में, बुक बी में, मैम बुक बी में है। यस, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर चुके हैं, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल ओविपैरस एनिमल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो यहां पर भी आप सभी ने किया था, हेन को बनाए थे। यस, बटरफ्लाई किए थे मैं, ये क्वेश्चन भी नहीं करना है लेकिन, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम नहीं है जिसे आप बताएंगे पहले ये कलर फिर वो कलर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, आप लोग कर सकते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यस, वो टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली शो मी योर हैंड। जो पूछेंगे मैं आई टेल, उनसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अभी तक किसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, पहले उस बच्चे से पूछने हैं। मिस तनिष्का डिस्कनेक्ट हो गई है। Yes, Vikas, now you tell. What are the effect of global warming? Vikas, बेटा माइक ऑफ है आपका और वीडियो भी ऑफ है। विकास, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? Global warming is because of Vast proper name. Mam, amount of these gases in the atmosphere. Yes, Akansha, now you tell. Mam, these help. Mam, these have consequently led to an increase in the earth temperature and region in global warming. Yes, okay, Anupriya, now you tell, what are the effects of global warming? Ma'am, a certain amount of greenhouse gases are necessary to keep that warm and to prevent it becoming very cold. The example of its
is rising pollution labels desperation and careless use to appliances like air conditioner and refrigerator have to lead an increase in the amount of these gases in atmosphere. Okay, yes Divya, now you tell. Yes Divya. Yes, Divya, आवाज आ रही है? अनिल, now you tell बेटा. मैम द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग राइजिंग पॉल्यूशन लेबल्स डिफॉरेस्टेशन एंड केयरलेस यूज ऑफ एप्लीसियंस लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स हैव लेड टू एन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दिस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दे हैव कंसीक्वेंटली लेड टू इंक्रीज इन द अर्थ टेंपरेचर एंड रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. विशांविका, नाउ यू टेल बेटा. मैम ग्लोबल वार्मिंग वेरी हार्मफुल थे फ्रॉम ड्रॉट आल्सो केम द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज टू इज द डिफरेंस इन द वेदर कमिंग टाइम एंड आर हैविंग व्हाट इन मेनी एरिया ऑफ अर्थ एंड देयर द इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ. Okay, very good. Ma'am, my tell. Yes, someone tell. Tell. Ma'am, the effect of global warming, first drought and the second the melting of ice caps, are huge flood and the third reason is its crop producing is affected and lead food scarcity, etc. Okay, yes Saurabh, now you tell. Ma'am, the effect of global warming, ma'am, is rising pollution level, depression and careless use of appliances like air conditioner and refrigerator have led to an increase in the amount of these gases in the atmosphere. These have consequently led to an increase in the earth temperature and result in global warming. Yes, chaliye to aap log kar lenge iska answer sabhi. अब नेक्स्ट है मैम, बुक में है इसका. यस, बुक में दिया हुआ है पूरे पॉइंट्स में. यस मैम. नेक्स्ट है व्हाट इज वोल्केनो, एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो. तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है और थ्री टाइप्स बताने हैं. मैम मैं आई टेल. मैम मैं आई टेल. यस वेट, तनिष्का बताएंगे इसका आंसर. तनिष्का अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में. यस तनिष्का, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज वोल्केनो एंड व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो. बेटा माइक ऑफ है आपका, पहले माइक ऑफ ऑन करना है उसके बाद आंसर बताना है. मैम, अ फ्रीजर इन द अर्थ क्रस्ट दैट अलाउज मोल्टन रॉक्स एंड हॉट गैसेस to flow out of the earth is known as volcano. Mam, volcano have three types. Active volcano that have erupted in the recent past and can erupt anytime in the future are known as active volcano. And volcano that have not erupted for many years but may erupt at any time are called sleeping volcano. And a volcano that have not erupted for thousands of years are unlikely to erupt again are known as extinct volcano. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेफिनेशन देनी है और उसके बाद तीनों के बारे में बताना है. तो थोड़ी थोड़ी लाइन लिखनी है आपको कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है, डॉर्मेंट वॉल्केनो हमने पढ़ा था, स्लीपिंग डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक और कौन सा था. आपको इन तीनों के बारे में बताना है, कर लेंगे ना सभी.
यस मैम हम कर लेंगे ये क्वेश्चन भी आपके बुक में नहीं है नहीं मैम नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपके बुक में नहीं है इसमें आपको तीनों के डेफिनेशन देनी है अलग अलग डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है बुक में कहाँ लिखना है बुक को गंदा नहीं करना है बुक को साफ रखना है एकदम नीट एंड क्लीन नोटबुक में करना है मैम साफ रहेगा नहीं मुझे मुझे बुक में बेटा मुझे बुक में केवल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स यही अच्छा लगता है अगर स्कूल खुलेंगे तो मेरे को वो बुक बिल्कुल नहीं पसंद आएगी जिसमें आपने यही पर क्वेश्चन आंसर लिख डाला हो अच्छे से लिखेंगे नहीं अच्छे गंदे चाहे जैसे भी लिखो मुझे पसंद ही नहीं है क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे लिखना ओके यस मैम तो ये काम आपको नोटबुक में ही करना है जितने क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे नोटबुक में अलग से डाल देंगे रिकैप एंड रिवीजन सेशन वहां पर क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे ओके पहले तो आप हमारा अभी एक क्वेश्चन रहता है सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसके बारे में मीटिंग एंड होने वाली है तो मीटिंग एंड हो जाएगी आप सभी को फिर से ज्वाइन करना है Yes, ma'am. चलिए शान्विका बताइए क्वेश्चन का आंसर यस शान्विका नाउ यू टेल बेटा डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मैम सॉल्यूशन इज दैट मैम व्हिच एब्जॉर्ब एनी अदर लिक्विड इन इटसेल्फ मैम सॉल्यूट इज दैट मैम व्हिच एब्जॉर्ब इटसेल्फ इन एन अदर लिक्विड जो अपने आप को दूसरे एब्जॉर्ब करता है एंड मैम सॉल्वेंट इज एंड मैम नो मैम नो मैम मैम सॉल्यूशन इज दैट मैम मैम दी करेक्टर ऑफ टू लिक्विड्स और थ्री लिक्विड्स मैम बट सॉल्यूट इज दैट विच एब्जॉर्ब इटसेल्फ इन एन अदर लिक्विड एंड मैम सॉल्वेंट इज दैट मैम जो दूसरे लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे ओके वेरी गुड चलिए दिव्या नाउ यू टेल डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन मैम दिस इंफॉर्मेशन मिक्स इन द व्हिच इज अ सब्सटेंस इज जस्ट सॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन दस then it is dissolved in this case sugar is called solute while the substance in which the solute dissolves in the case water is called the solvent okay aur kaun batayega is question ka answer yes solve how you tell define the term solution solute and solvent when the mixture in the this dissolved in another substance is called solution solution. And the solute is that the substance that is dissolved is called solute and the solvent is that the substance in which the solute dissolve is called the solvent. Okay, aur kaun batayega is question ka answer? Anupriya, now you tell. Yes, Anupriya. Ma'am, solution is that which a substance is dissolved in another substance and solute is that when a substance that is dissolved in the case sugar and the substance in which the solute dissolve in the case water is called a solvent चलिए सचिन बताएंगे अब सचिन ने आज एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और ये इतनी दूर बैठे हैं लग रहा है कि जैसे खड़े होकर पढ़ रहे हैं यस सचिन नाउ यू टेल Define the term solution, solute and solvent. I do.
solution is that the substance equals solution. Solvent is that solve cage of sugar. And solvent is that solute dissolve in cage of water. चलिए तो यहाँ से मीटिंग एंड होने वाली है. आप सभी को क्या करना है, फिर से ज्वाइन करना है, उसके बाद हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे. ओके okay?